नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ काविंद्र चौहान, न्यूज वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं। और दर्शक, आज का दिन काफी मायनों में खास है, आज की सुबह काफी मायनों में खास है और आज की तारीख काफी मायनों में खास है, क्योंकि आज की तारीख तय करेगी कि आने वाले 5 साल उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तराखंड के लिए, गोवा के लिए, मणिपुर के लिए, पंजाब के लिए कैसे होने जा रहे हैं। और विशेषकर अगर मैं बात करूं तो देश के सबसे बड़े सूबे में जो चुनाव हुए हैं उसका रिजल्ट आ रहा है, उस इम्तिहान, उस परीक्षा का आज परिणाम आ रहा है। और परिणाम के साथ साथ ये तय हो जाएगा कि आने वाले 5 सालों में उत्तर प्रदेश का भविष्य क्या होगा, उत्तराखंड का भविष्य क्या होगा, गोवा का भविष्य क्या होगा, मणिपुर का भविष्य क्या होगा, पंजाब का भविष्य क्या होगा। अगर एग्जिट पोल की ओर नजर डालते हैं तो उत्तर प्रदेश में चिंता का विषय है समाजवादी पार्टी के लिए, खुशी का विषय है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और कुछ भी सोचने ना समझने का विषय है कांग्रेस के लिए और मायावती जी के लिए। मसलन बसपा और कांग्रेस पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी टक्कर कड़ी थी, लड़ाई भयंकर थी, भीषण थी, लेकिन इसके बावजूद उतनी सीटें नहीं आ रही कि मेजोरिटी पा सके एग्जिट पोल के हिसाब से। लेकिन आज की तारीख तय कर देगी कि आखिर सच क्या है। जो धुंध है वो धीरे धीरे हट जाएगी। बीते आपको बता दें कि 2 महीने से, जब से शंखराद हुआ है चुनावों का तब से लेकर आज तक, नेताओं की टेंशन पर आज पूरा खर्चा सिमट कर रह जाएगा। तो जो पर्चा भरा गया था उसका खर्चा सब कुछ निकल कर आज सामने आ जाएगा और तय होगा कि जनता ने आखिर किसको चुना है। आज उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटें और उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटें भरी जाएंगी। ये वो वैकेंट सीटें हैं जिनको आज भरना है। इन सीटों पर कौन सी शक्लें आपको आने वाले समय में देखने को मिलेंगी, ये आज की तारीख ही तय करेगी। शाम तक लगातार न्यूज वर्ल्ड इंडिया पल पल की एक एक खबर आपको देता रहेगा, एक एक चेहरा जैसे जैसे क्लियर होता जाएगा आपको बताता रहेगा, धुंध हटने का एक एक स्टिल, धुंध हटने की एक एक तस्वीर आप तक न्यूज वर्ल्ड इंडिया पूरे दिन पहुंचाता रहेगा। मेरे सहयोगी तिलक चावला और काजोल नारायण पूरे दिन आपके साथ मौजूद रहेंगे और एक एक खबर, एक एक ब्रेकिंग, एक एक अपडेट आपको लगातार देते रहेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि 403 विधानसभा सीटें, उत्तर प्रदेश में क्या कुछ होने जा रहा है। तो आपको बता दें कि लड्डुओं का दौर शुरू हो गया है, लड्डुओं की जो बुकिंग है वो पहले से दे दी गई है, लेकिन क्या आज लड्डू बटेंगे, किस किस दरवाजे पर बटेंगे, किस किस कार्यालय पर बटेंगे, कहां कहां आज पटाखे फूटेंगे या कहां कहां नहीं फूटेंगे, कहां कहां खुशी के साथ नगाड़े बजेंगे, ढोल बजेंगे और कहां कहां दुख पसरता हुआ नजर आएगा। इन सभी तस्वीरों पर न्यूज वर्ल्ड इंडिया की पूरी टीम ग्राउंड लेवल से लगातार पूरे दिन मुस्तैद रहेगी, मौजूद रहेगी। और सुबह से ही नहा धोकर उठकर पूरी न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम मौके पर डट गई है, तैनात है और पल पल की आपको अपडेट देती रहेगी। आपको बता दें कि लखनऊ में बीजेपी कार्यालय पर इस वक्त सन्नाटा छाया हुआ है। सन्नाटा इसलिए है क्योंकि सख्त हिदायत है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी कार्यालय में जब तक रुझान आना बिल्कुल शुरू ना हो जाए, जब तक क्लैरिटी ना हो जाए, तब तक किसी भी तरीके का कोई भी सेलिब्रेशन ना मनाया जाए। लेकिन वहीं इससे इतर दिल्ली में बीजेपी कार्यालय में आपको रौनक देखने को मिल सकती है। दर्शकों, आपको बता दूं कि अब से महज 1 घंटे से भी कम समय में शुरू हो जाएगा रुझान आना।